हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल पेज नंबर 182 का, ठीक है, एनसीईआरटी। तो ये पार्ट 20 है, तो देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जितने भी कंसेप्ट हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस एंड फाइंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की बात है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इमेज कहाँ बनता है। इसमें कॉनकेव लेंस में दो केस होते हैं, दोनों केस में इमेज जो बनता है वो लेंस के ही साइड में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उस साइड में बनता है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। तो देखो दिया क्या है, फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, ये भी लेफ्ट में होगा तो -15। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर, तो इमेज भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनता है तो -10। और यू यानी कि ऑब्जेक्ट, वो तो हमेशा लेफ्ट में ही रहता है, तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 - V / 1 - U, 1/V - 1/U = 1/F। इसमें से हम लोग को ये निकालना है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/V - 1/F = 1/U। बस अब इसमें सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे, 1/-10 + 1/15 = 1/U। एलसीएम लेना है, 30 यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा +2 = 1/U, तो ये आ गया -1/30 = 1/U, तो U क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में आया, ये हमेशा माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन देखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का भी दो फॉर्मूला बताए थे, लेकिन हम लोग इसमें वी और यू वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग के पास वी और यू की वैल्यू जो है वो पता है, ठीक है। तो वी बाई यू होता है, तो मैग्नीफिकेशन वी क्या है, -10 U - 30, यानी कि मैग्नीफिकेशन आ गया 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो 1/3 है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का मतलब है। और इसमें हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमेशा इस साइड में है ऑब्जेक्ट के साइड में, तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। और डिस्टेंस तो पता चल गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10.4 एग्जाम्पल करेंगे, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।